हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय नवरात्रि चल रही है, तो जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करो ना, उस पर सबसे ज़्यादा रेसिपीज़ हमें व्रत वाली ही दिखाई देती हैं। तो उसी में से एक मेरी फेवरेट आलू और साबूदाना के बड़े, जो मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, ये हम कभी कभी बिना व्रत के भी बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक कप जो मीडियम साइज़ वाला साबूदाना होता है ना, छोटे से जो बड़ा वाला होता है और बड़े से छोटा वाला, मतलब जो बीच वाला साबूदाना होता है, वो मैंने एक कप ले लिया है। और इसे हम सबसे पहले अच्छे से इसे हम धुल लेंगे। इसे 2 से 3 पानी में पहले धुल लूँगी, जिससे कि ये साफ़ हो जाए अच्छे से। और जब तक इसमें ये दूध जैसा कलर दिखता रहेगा ना, तब तक हमें इसका पानी फेंकते रहना है। और जब पानी बिल्कुल सफ़ेद दिखने लगे, एक एक दाने दिखाई देने लगे, तब हमें इसे समझना है कि साफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा मल के मत धुलिएगा, नहीं तो जितना मलेंगे उतना ही इसका जो स्टार्च है ना वो निकलता रहेगा। और देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है साबूदाने से, बिल्कुल मतलब बहुत थोड़ा सा ही ऊपर तक पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो साबूदाने बहुत गीले से हो जाएंगे, तो जो बड़े बनाएंगे ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तब तक भीगे रहने दीजिए अभी से, जब तक कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो मैंने इसे रख दिया है सोक होने के लिए। तो करीब अभी 1 ही घंटा हुआ है, पर आपको ना इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे भिगोना है, 1 घंटा नहीं भिगोना है। पर मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, क्योंकि डुगू का भी मन था खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं फटाफट। और देखिए, दाने अभी से बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए। देखिए, हाथ से प्रेस करने पर ये आसानी से प्रेस हो जा रहा है, इसका मतलब अच्छे से सोक हो गया है। और इधर मैंने ले लिया है थोड़ी सी मूंगफली और थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आपके यहाँ बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, तो काली मिर्च और ग्रीन चिल्ली डालने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत तीखी होती है। 3 मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ डाली हैं और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया। इन सभी को हमने मिक्सी जार में ऐसे ड्राई ग्राइंड कर लिया है। और ये हल्का सा दरदरा है, तो दरदरा ही रहने देना है हमें इसे। तो इस मिक्सर को हम आगे यूज़ करेंगे। 2 मैंने आलू लिए हैं, बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं है, आप 2 आलू डाल दीजिए। इससे क्या होगी, अच्छी सी बाइंडिंग आती है और टेस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और जो हमने साबूदाना भिगोए थे वो भी सारे हम इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया, तो अभी इसमें हल्का सा पानी बचा है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप जब भी बनाइए ना, 2 से 2.5 घंटे साबूदाने को ज़रूर भिगोइए। और डाल दिया मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और जो मूंगफली और काली मिर्च हरी मिर्च का हमने बैटर रेडी किया था ना, वो भी डाल दिया। अभी हल्का सा चिपचिपापन है इसमें, तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप कुट्टू का आटा। तो आप इस जगह पर राजगिरे का आटा भी ले सकते हैं, सिंगाड़े का आटा, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले लीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं और पीस लेते हैं चटनी। तो जिसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ ली हैं, 1 हरी मिर्च लिया है, और मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और जो मूंगफली का हमने बैटर रेडी किया था ना, वो थोड़ा सा मैंने इसमें बचा लिया था, जो चटनी में मिक्स होगा और चटनी में एक अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है बड़े के साथ खाने के लिए। और हाँ, आप इन बड़ों को ना टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, कि मतलब इसमें ऊपर से दही और मीठी चटनी सब कुछ डाल के अच्छी सी क्रिस्पी सी टिक्की तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम हाथों में पानी या तेल लगा लगा के, वैसे पानी लगाइएगा, ज़्यादा इजी तरीके से बन जाता है। इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लेंगे, और इसको हाथों की हेल्प से हल्के से प्रेस करना है, और उसके बाद फिंगर की हेल्प से होल कर देना है। तो इस तरीके से ये अब हमारे सारे बड़े बन के रेडी हो गए हैं, जिसे बनाना ना बहुत ही आसान है और कोई भी झंझट नहीं है। बस फ्राई करते समय हमें इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्राई करते समय ये फटे ना या फिर ख़राब ना हो। तो जिसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे गैस को कर देना है, और जब धुआं निकलने लगे ना ऑयल में, तभी हमें इन बड़ों को डाल देना है। और इन्हें हमें तब तक नहीं छूना है जब तक कि ये नीचे से अपने आप से छूटने ना लगे और अपने आप मतलब रेड ना हो जाए, तब तक हमें इसे नहीं छूना है। जब हमें लगे कि हम नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो रेड हो गया है, तभी हमें इसे पलटना है। इसी तरीके से हमने दूसरा खान भी बना लिया, और इन्हीं तरीके से हम सारे बड़ों को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक में चिपक गया, हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है,
पलट देंगे ये अपने आप ही छूट जाएंगे जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये हमारा आलू और साबूदाने का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बड़ा बनके रेडी हो गया है। इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना है और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और अगर आपको बड़े की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।